व्हाट्सएप के जरिए बिजनेस करने वालों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने व्हाट्सएप के जरिए बिजनेस करने वालों के लिए चार्ज बढ़ा दिया है। खबर पर डिटेल्स के साथ जुड़ रही हैं जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी। एकता, बताइए क्या कितने प्राइसेस बढ़ाए गए हैं व्हाट्सएप बिजनेस में? जी बिल्कुल दीपक, बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं, बड़ी कंपनीज हो गई या स्टार्टअप्स हो गए, व्हाट्सएप बिजनेस नाम का जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के लिए। अब व्हाट्सएप ने इसमें जो पर कॉन्वर्सेशन है उसके चार्जेस बढ़ा दिए। पहले क्या था कि अब तक 48 पैसा था पर कॉन्वर्सेशन के चार्जेस। उसमें आप भले ही मार्केटिंग का बिजनेस भेज रहे हैं या प्रोडक्ट का कैटलॉग भेज रहे हैं, एक स्टैंडर्ड रेट था। लेकिन अब जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसने कॉन्वर्सेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, यूटिलिटी, ऑथेंटिकेशन और मार्केटिंग। यूटिलिटी में क्या आता है, मतलब जैसे पोस्ट परचेज आप कोई बिल की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब कि अगर जो बिजनेस है वो ये ऑथेंटिकेट कर रहा है कि ये कस्टमर है या नहीं, या बॉट है, और उसके लिए एक वन टाइम पासवर्ड उसको भेज रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैसेजेस होते हैं वो है मार्केटिंग मैसेजेस। अब ऑथेंटिकेशन और यूटिलिटी वाली जो कॉन्वर्सेशन है इसके चार्जेस मेटा ने कर दिए हैं करीबन 30 पैसा के आसपास। लेकिन जो मार्केटिंग मैसेजेस हैं उसके प्राइस 48 से सीधा 73-72 पैसा के आसपास कर दिया है। ये बिजनेसेस के लिए जाहिर सी बात है लगभग हम कह सकते हैं डबल के आसपास प्राइस हो गया है। इसके अलावा पहले फ्री कॉन्वर्सेशंस 1000 मिलती थी मंथली पैकेज में हर एक बिजनेस को, लेकिन वो जो 1000 कॉन्वर्सेशंस है उसे भी रिवोक कर दिया गया है। और यहाँ पर मेटा कह रही है कि अगर कोई कस्टमर किसी बिजनेस को कॉन्टैक्ट करता है तो हम वो वाली कॉन्वर्सेशंस 1000 जो है फ्री करेंगे। यानी कि जो दाम है बिजनेस प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप बिजनेस पर, वो बढ़ गए हैं, जो जाहिर सी बात है छोटे बिजनेस ओनर्स को या स्टार्टअप्स को ज्यादा चुनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये जो दाम बढ़ाने का एक क्राइटेरिया है, जो रिविजन है, उसके पीछे ये माना जा रहा है कि व्हाट्सएप जो है इंडिया के लिए, जो मेटा के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी जो है प्लेटफॉर्म है, हम कह सकते हैं देश है जहां से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है, और इस साल के अंत तक $1 बिलियन जो है उस रेवेन्यू को एक तरह से टारगेट रखा गया है, जिस वजह से मेटा जो है इस सर्विस के दाम उसी एक्सरसाइज के तहत बढ़ा रहा है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए एकता आपका।